डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 14 मार्च 2019 और 14 मार्च 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हो रही है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नई दिल्ली में 14वें CII एग्जिम बैंक के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में 14वें CII एग्जिम बैंक के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में CII एग्जिम बैंक के 14वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे, वो है सुरेश प्रभु। और ये कौन सा सम्मेलन है, कौन सा संस्करण है इसका, ये 14वां संस्करण है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा 17 मार्च से 19 मार्च तक। कब से कब तक ये आयोजित किया जाएगा, 17 मार्च से 19 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है CII, तो ये क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप नोट कर लीजिए, CII की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होती है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1895 में। कब की गई थी, 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, राकेश भारती मित्तल। कौन है इसके अध्यक्ष, राकेश भारती मित्तल। और इसके महानिदेशक कौन है, चंद्रजीत बैनर्जी। तो ये हो गया CII के बारे में। अब मैं आपको एग्जिम के बारे में बताता हूँ, EXIM। एग्जिम यानी क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और इसके महानिदेशक कौन है, डेविड रिस किन्ना। कौन है, डेविड रिस किन्ना इसके महानिदेशक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए, आप सिर्फ इस क्वेश्चन से इतनी बातें दिमाग में फिट कर लीजिए कि अभी हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में 14वें CII एग्जिम बैंक के सम्मेलन का आयोजन किया, यानी करेगा, आयोजन किया जाएगा। और ये कब से कब तक होने वाला है, 17 मार्च से 19 मार्च तक। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ पर मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में DRDO ने कहाँ पर मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसका, पिनाका का। ये पिनाका एक मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, किसने किया, DRDO ने। और ये कहाँ पे किया, ये किया है पोखरण में, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके माइंड में आता होगा कि पोखरण कहाँ पे, पोखरण है राजस्थान में। और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया, 11 मार्च को किया गया। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा रखी, यही है वो मिसाइल। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसका परीक्षण कब किया गया था, 11 मार्च को। अब यहाँ पे बात आई है DRDO, तो मैं आपको DRDO के बारे में बताता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा रखी है। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो DRDO से अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होता रहता है, वो क्वेश्चन क्या है, DRDO का मोटो क्या है। DRDO का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम। ये तो संस्कृत में है, कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, तो वो इंग्लिश में मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने किसे डॉक्टर ऑफ
फिलोसॉफी की डिग्री से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री से सम्मानित किया, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी की तस्वीर भी लगा रखी है, यही है एम वेंकैया जी नायडू। और जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीस है, जिन्होंने एम वेंकैया नायडू को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री से सम्मानित किया है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी आपको तो पता होगा, मैंने 3 या 4 दिन पहले आपको बताया था कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, ये कोस्टा रिका और पराग्वे की 8 दिवसीय दौरे पर थे। तो वहीं पे कोस्टा रिका की ये यूनिवर्सिटी है, कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, और इनको ये कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री दी गई, और ये कहाँ पे दी गई, सैन जोस में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल हसन की मक्कल नीति मय्यम पार्टी को लोकसभा चुनाव में कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टेड है, यानी इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन लेने का मेरा मेन मकसद क्या है, इसके पहले एक बैंकिंग एग्जाम में यही कमल हसन की पार्टी का नाम पूछा गया था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कमल हसन की मक्कल नीति मय्यम पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया। कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया, वो दिया गया बैटरी, बैटरी टॉर्च, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सीधे और सरल भाषा में सिर्फ इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखिए कि कमल हसन की जो मक्कल नीति मय्यम पार्टी है उसको लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया, वो चुनाव चिन्ह दिया गया बैटरी टॉर्च। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आहार अंतर्राष्ट्रीय एवं अतिथ्य उत्सव की अतिथ्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आहार अंतर्राष्ट्रीय एवं अतिथ्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आयोजन तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, लेकिन ये कौन सा संस्करण है, ये है 34वां संस्करण, 34वां ये संस्करण है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, ये 12 मार्च से 16 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, और टोटल 20 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कौन, कितने कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल 20 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे बात आई है नई दिल्ली, तो मैं आपको नई दिल्ली के बारे में बताता हूँ। दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको 3 या 4 दिन पहले की एक वीडियो में बताया था कि जो केरल का मरयूर गुड़ है जो इडुक्की जिले में पाया जाता है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, और अभी जो कर्नाटक राज्य की सिरसी सुपारी है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस सुपारी की पिक्चर भी लगा रखी, यही है वो सुपारी जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है कर्नाटक में। अब यहाँ पे बात आई है कर्नाटक, तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये है मैप में कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बैंगलोर, वहाँ के सीएम है HD कुमारस्वामी और वहाँ के गवर्नर है वजूभाई वाला। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। अभी हाल ही में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने भारत के 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो वो कौन सी कंपनी है, वो है IBM, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जो IBM कंपनी है, ये जो भारतीय इंडिया के टोटल 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षण देगी। हर एक स्टेट से अलग अलग कुछ कुछ छात्रा लिए जाएंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट लिए जाएंगे, और उनको जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तंत्रज्ञान के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पे बात है IBM, तो मैं आपको IBM के बारे में बताता हूँ। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसकी स्थापना कब की गई थी, 1911 में। कब स्थापना की गई थी, 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, और इसके जो हेड कौन है, वो कौन है, गिनी
रोंगटी, कौन है गिनी रोंगटी, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ नया वीजा समझौता किया है। अभी हाल ही में अपने देश भारत ने मालदीव के साथ नया वीजा समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि अपने देश भारत ने तो मालदीव के साथ ये एक नया वीजा समझौता तो किया है, लेकिन आखिर क्यों किया है, इसका तो कोई मकसद होगा ना। जो कोई भी व्यापार है, जो कोई भी संहिता है, उसको बढ़ाने के लिए और क्या क्या कहते हैं उसको, वीज़ा के जो रूल्स है उसको आसान बनाया गया है, और जो टाइम है, टाइम की बचत की जाएगी यहाँ से, और पहले से इसको अपडेट किया जाएगा। इसलिए अभी हाल ही में भारत देश ने मालदीव के साथ नया वीज़ा समझौता किया है। अब यहाँ पे बात आई है मालदीव, तो मैं आपको मालदीव के बारे में बताता हूँ। मालदीव की कैपिटल है माले, वहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, क्या है मालदीवियन रुपया, और वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले, कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोले, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश कौन बना है। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला कौन सा देश बना है, तो वो बना है सऊदी अरब, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो सऊदी अरब है वो फर्स्ट नंबर पे है, अपना भारत सेकंड नंबर पे है, और इजिप्ट थर्ड नंबर पे है। आप ये तीनों रैंक याद रखिए, अगर एग्ज़ाम में इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ इस क्वेश्चन से सीधे और सरल भाषा में सिर्फ इतनी बातें याद रखिए, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश कौन सा बना है, तो वो बना है सऊदी अरब, और सेकंड नंबर पे अपना भारत, और थर्ड नंबर पे है इजिप्ट। अब यहाँ पे टर्म है सऊदी अरब, तो मैं आपको सऊदी अरब के बारे में बताता हूँ। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, वहाँ की करेंसी है रियाल, और वहाँ के जो किंग है वो है मोहम्मद बिन सलमान, कौन है वहाँ के किंग, मोहम्मद बिन सलमान, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में किस महिला को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है, तो वो चुना गया है दीपा कर्माकर को, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे दीपा कर्माकर की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है दीपा कर्माकर। यानी बेसिकली हुआ क्या है, जो ये बारबी रोल कंपनी है, इसने क्या किया, जो ये दीपा कर्माकर है, इनकी एक नेके डॉल बनाई है, और ये जो दीपा कर्माकर है, ये हमारे भारत की पहली जिमनास्टिक महिला है, कौन है, पहली जिमनास्टिक महिला है दीपा कर्माकर, और ये जो क्या बारबी रोल मॉडल है, बारबी रोल कंपनी है, ये इसकी इसकी ये इस साल की 60वीं वर्षगांठ है, कौन सी 60 वर्षगांठ है, 60वीं वर्षगांठ है, उसी के अवसर पे इन्होंने दीपा कर्माकर को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में चीते की फॉर्मोसिन क्लाउडेड प्रजाति को करीब 36 साल बाद देखा गया है। अभी हाल ही में ताइवान देश में चीते की फार्मोसिन क्लाउडेड प्रजाति को करीब 36 साल बाद देखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस चीते की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है वो चीता जिसको ताइवान में टोटल 36 साल बाद देखा गया है। इसे लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको देखा गया है। तो आप सीधी और सरल भाषा में सिर्फ इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखिए, अभी हाल ही में ताइवान में एक चीता है जिसका नाम है फार्मोसिन क्लाउडेट नाम का एक प्रजाति का चीता है, उसको 36 साल बाद देखा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की महिला 50 किलोमीटर पैदल चलने वाली स्पर्धा को 4 घंटे से कम समय में पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है उस देश की महिला जो 50 किलोमीटर पैदल चलने वाली स्पर्धा को 4 घंटे से भी कम समय में पूरा करने वाली पहली महिला बनी है, तो वो किस देश की है, वो है चीन की, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए मैं यहाँ पे उनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, यही है वो। इनका नाम क्या है? लियू होंग। क्या है नाम इनका? लियू होंग। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये चीन की रहने वाली है। अब यहाँ पे बात आई है चीन, तो मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ। चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबिन, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सी जिनपिंग। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा था। इसका सही आंसर था 7। टोटल 7 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा लोकसभा चुनाव 2019 का। सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा था। मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हो उन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए मैं आज फिर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैंक जेट एयरवेज को लोन देगी? मैंने क्वेश्चन कल ही करवा रखा है, तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। Thanks for watching this video. Complete exam always with you.